बेमेतरा जिला भाजपा ने किया पत्रकार वार्ता। 24 अगस्त को भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। इस संबंध में पत्रकारों से बातचीत की। वहीं इस दौरान बेमेतरा भाजपा विधानसभा प्रभारी राजेंद्र शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार युवाओं को छलने का कार्य कर रही है। सरकार बने 4 साल बीतने को है, लेकिन सरकार बनने से पहले बेरोजगारों को 2500 रुपए देने का जो वादा किया था आज तक पूरा नहीं किया है, ना ही बेरोजगारों को नौकरी दी है, जिससे युवाओं में सरकार के वादा खिलाफी रवैयों को लेकर युवाओं में आक्रोश है और भाजपा सदैव युवाओं के साथ उनके हक की लड़ाई में खड़ी है। 24 अगस्त को प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में प्रदेश मुख्यमंत्री निवास का युवाओं के द्वारा अपनी मांगों को लेकर घेराव किया जाएगा, जिसमें जिले युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने अपील की है। वहीं जिले के 2000 से अधिक बेरोजगार युवा शामिल होने की बात कही है। वहीं इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष परमेश्वर वर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा, कन्या शक्ति संयोजिका निशा चौबे सहित जिला भाजपा मंडल एवं युवा मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने के पहले बेरोजगार युवकों को 2500 रुपए भत्ता देने की जो बात कही थी, उस मुद्दों को लेकर हम मुख्यमंत्री निवास घेराव करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने जो घोषणा किया था कि बेरोजगार युवकों को अपन 2500 रुपए भत्ता देंगे, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन वो सरकार बनने के बाद वो विफल रही, नाकाम रही। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में अमल नहीं किया, युवक रोजगार के लिए, नौकरी के लिए भटक रहे, लेकिन सरकार में कोई सुध देने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो बेरोजगार युवकों के साथ में, ऐसे युवकों के साथ में जिनको नौकरी नहीं मिल पाई, जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हुई है और उनकी हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के नेतृत्व में विशाल मुख्यमंत्री निवास का घेराव का कार्यक्रम रायपुर में रखा गया है। 24 अगस्त को यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे है और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेमेतरा जिले से 2000 के कार्यकर्ता विभिन्न मंडलों से रायपुर जाएंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस आंदोलन को गति प्रदान करेंगे। हम सरकार से मांग करेंगे कि जो 3-3.5 साल आपके 4 साल पूरे हो चुके सरकार के हो रहे हैं, उसमें आप जो भत्ता आपने नहीं दिया है उस भत्ते को दिया जाए और आने वाले समय में उस भत्ते को प्रारंभ किया जाए। ये सब मांग को लेकर हमारा आंदोलन 24 तारीख को रहेगा। बेमेतरा से ईश्वर सिंह राजपूत, सीजी विजन टीवी।